और देखिए सब्जी मंडी है जय लुधियाना की कपूर मार्केट के साथ, दरेसी ग्राउंड भी पास ही है, दशहरे का मेला, रोशनी का मेला 1947 से पहले लगता था जहाँ पर, आजकल ये पतंग मार्केट बन चुकी है। जैसे जैसे लोहड़ी नज़दीक आएगी जहाँ पर सब कहीं पतंग ही पतंग आपको दिखाई देंगे। और जो लुधियाना शहर है दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाने की जल्दी रहती है हम लुधियाना वालों को, बसंत को पतंग उड़ते थे लेकिन ये कहते हैं बसंत को नहीं यार, उससे पहले हम लोहड़ी को चढ़ा देते हैं बसंत। उधर दिखा वो पिछले दुकानें क्लोज करके दिखा वो दुकानें। ये हैं दरेसी के पास पतंग मार्केट, अब यहीं पर पतंग मार्केट है। और लोहड़ी से एक दिन पहले रात को 2-3 बजे तक जहाँ पर पतंग खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं। और यार वो भी क्या दिन थे जब दरेसी में पतंग उड़ते थे, लोग दूर दूर से पतंग उड़ाने के लिए आते थे, बसंत के मेले लगते थे। और लुधियाना शहर में तो हिंदू मुस्लिम लोग थे जो बड़े जोश से बड़े मज़े से पतंग उड़ाते थे यार। कभी वो वक्त भी था और आज वक्त बदल गया, पतंग भी नए नए डिजाइन के आ गए। पहले पतंग बनाने वाले लुधियाना में कहाँ कहाँ रहते थे? देखो ये पहले पतंग बनाना लुधियाने केड़ी केड़ी जगह होंगे सके अपने, एक तो होंगे सके अपना दसो सर पतंग, एक तो अपने गुल चमन गली चमन गली अपने हाथों बनाते होंगे ना। हाँ जी हाँ जी, गुल चमन गली होंगे जी पहला पतंग बनाने वाले। हूँ अजकल तो बहर रामपुर तो आ रहा, जयपुर तो आ रहा जी, अमृतसर तो आ रहा, हूँ इतने लोग घट ही बनाने वाले है, क्योंकि जोड़े पुराने बजुर्ग से वो कम करते थे, बच्चों ने अगों छड़ दते, बच्चों ने हम बने बनाए लिया बेचते हैं जी, इस करके हूँ पतंग मार्केट जोड़े पतंग बहर तो ही आते हैं और नए नए डिजाइना भी आने शुरू हो गए। अपने उड़ाते थे पतंग उड़ाते थे उस टाइम जो डोर सुतने लगते थे कि मेले लगते थे रात को मुंडे उदो रात को हत्थों कई बार तो आप ही डोर सूतते थे, उदो कच पा के सलोशे पा के सारा कुछ आप मसाला तैयार करके सूतते थे, हूँ सारा कुछ ये भी रेडीमेड ही आना शुरू हो गया। ये डोर हूँ जी बरेली तो आती है जी, धागे की सारी डोर बरेली तो आती है, इस करके उतों सुती सताई आती है जी। हाँ जी दरेसी जड्डे लगते थे, किताब बाजार डेरे लगते अड्डे लगते, घोड़ा मार्केट अड्डे लगते थे, इस करके हूँ जो जिदा जिदा बदल गया जमाना उदा उदा सारा कुछ बदल गया, हूँ रेडीमेड ही सारे माल आते हैं जी। और देखो एक वक्त होंगे सर लोगों को डोर लैन लिए पैसे नहीं होंगे सके, मैं तुझे मेरे ना हाँ हाँ बनाई जाओ एक ना जे अपने जल्द डोर मैं सुनाना पे हैगा वहाँ डोर ना टोटे टोटे कट्ठा करके ना न्याणे जोड़े होंगे सके डोर पट्टी बना लेंगे सके लुट के, यानी कि पैसे नहीं होंगे सके, कितने बाजार जी डोर दिसनी कितने आ लेनी डोर देखनी कितने फसी हुई है वह भी ला लेनी न्याणे ने डोर पैसे नहीं होंगे सके, बट लोगों जज्बा बहुत सगा प्यार बहुत सगा मुहब्बत बहुत सी पर पैसे नहीं सके, आई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं हैगा पैसे पैसा हैगा वा खत्म हो गई गल्ला वो पतंग जरूर ने पतंग लुटने का कोई नहीं हूँ माइग्रेंट भइए लुटते है पंजाबी नहीं लुटते है और कोठे से लैके रख लेते 500 गुंडे मुकते नहीं है हैं डोर भी आ गई तो एक दिन तो बाद कोई बधा नहीं है हूँ पहले महीना पहले। हाँ जी पहले टाइम ही नहीं हों जी हूँ तो बधान जोगा एक दिन भी बधा लैन बहुत वही गल होती हैगी है अजकल टाइम ही नहीं हों इस करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और देख के कहते हैं कि अब तो पहले तो 15-15 महीना महीना पहले चलते थे और बसंत तक चलते थे और 26 जनवरी तक, और देखिए चलो और देखिए जहाँ पर ये डोर तो आ गया पतंग भी आने वाले हैं और ये पहली दुकान है जहाँ पर सब्जी मंडी में जोको बैंक के साथ ही है ये, तो जहाँ पर ये जो डोर सरदार सुरजीत सिंह जी की दुकान सरदार सुरजीत सिंह की दुकान है, लोहड़ी देखो लिखी हुई है पतंग इन्हें को आज नहीं होने तो पतंग आने भी चालू हो चुके हैं, तो पहले जो पतंग उड़ाने का मज़ा होंदा सी बकरे होंदा सी पंजाब दे विच खासकर लुधियाने दे विच लोहड़े विच उड़दे सी बसंत नूं पतंग ते अंबरसर भी जोड़दे सन बसंत नूं, पर लुधियाने ज़्यादा काली पैंदी सी ते लोहड़ी नूं उड़ा के मौजा लुट लैंदे सन, 26 जनवरी नूं तिरंगे पतंग उड़दे सन, और गल्लें खत्म हो गई दोस्तों। पर पतंग ने अज इत्थे बहुत डोरां ने बहुत लोगों को पैसे बहुत ने, और यार प्यार मुहब्बत खत्म हो गई, चल चलदे भोलिया कितें होर जगह चलदे यार आपां।